गाइज यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा देखिए सब खराब हो गया है। जितने भी यहाँ पर देखिए मैंने प्लांट्स भी लगाए हुए थे, सभी के सभी प्लांट्स देखिए तोड़कर डाले हुए हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा, और ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा ये सब फैला हुआ है। और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए। और गाइज कुछ अंडे हैं यहाँ पर जो कि फूट गए हैं अभी। और देखिए कुछ हमारे ये देखिए दो तीन कबूतर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं गाइज। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइज हुआ क्या था कि कल शाम 6 बजे ऐसा हुआ था, जब मैं ऊपर आई तब मैंने ये सब देखा। एक मुझे हलचल सी तो कुछ लगी थी यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आई तब मैंने देखा कि इतना ज़्यादा नुकसान हो रखा था कि सभी के सभी तो प्लांट्स ख़राब हो गए मेरे, और यहाँ सब कुछ फैला पड़ा था। और ये जो अभी मैंने आप लोगों को अंडे दिखाए थे, ये क्या मैं बताती हूँ आप लोगों को, ग्रेटी और कलसरी जो ये मेरा एक पेयर है उन्हीं के अंडे। अभी कुछ ही दिन पहले कलसरी ने एग ले कर दिए थे, तो इससे पहले भी एग ले किए थे वो ख़राब हो गए थे, लेकिन अभी फिर से उसने एग ले किए तो ये देखिए कितना अंडे टूटे पड़े हैं। तो गाइस क्या हुआ था कि कल शाम 6 बजे के करीब में कुछ बंदर आ गए थे यहाँ पर। बंदर ऐसा है कि बीच बीच में कभी भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ऐसा नुकसान मैं होने नहीं देती। लेकिन कल पता नहीं कैसे हुआ कि शाम के टाइम मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया था फीड के लिए, बट उसके बाद सब कुछ तहस नहस करके चले गए। और गाइज ये देखिए, ये जो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैंने कबूतर दिखाए हैं गाइज, ये कबूतर मेरे कल शाम के भागे हुए हैं मेरी छत से, जो कि बंदरों की डर की वजह से भाग गए थे। और ये भी मॉर्निंग में आए, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें से दो कबूतर गाइज अभी भी गायब हैं। एक तो मेरी मद्रासी कबूतरी गायब है, जो कि मैंने सोचा था कि शायद वो सुबह तक आ जाएगी, पर अभी तक वो नहीं आई है। और एक साथ में मैं बताती हूँ गजरी कबूतरी गाइज, उसके तो यहाँ पर अभी बच्चे भी हैं छोटे छोटे से, तो मेल अभी वहाँ पर बैठा हुआ है, बट गजरी कबूतरी का कुछ पता नहीं चल रहा है यार। जब से सुबह से मैं यही देख रही हूँ कि कैसे ही वो कहीं से आ जाए, पर आई थिंक वो कहीं ना कहीं जैसे कि कल डर के भाग गई थी तो वो अभी डरी हुई बैठी है, या तो उसको अभी अपना घर नहीं मिल रहा है तो रास्ता भटक गई है वो, तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए अभी वरी हूँ यार, बस कैसे ही करके वो लौट आए जल्दी से जल्दी। और ये भी जब से आए हैं अभी तक नीचे नहीं उतरे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी डर है अभी थोड़ा बहुत बाकी है, तो इस वजह से ये भी अभी नीचे नहीं आ रहे हैं। और बाकी देखिए पिजन्स दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को अंदर, पहले मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए गाइज यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ पिजन्स, ही वही हैं जो कि मैं इनको ऊपर रखती हूँ। इसमें जीनू और मेरा येलो वाला पिजन है, और कलसरी कबूतरी देखिए यहाँ पर बैठी हुई है, इसको मैं यही देख रही हूँ मॉर्निंग से ही, मतलब बस इधर उधर देख रही है। एक तो बेचारी के अंडे खराब करके चले गए बंदर यार, सच में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और देखिए ये नीचे वाला जो मेरा सेटअप है इसके अंदर तो खैर सब कुछ ठीक है। ये देखिए सुल्तान और उसका बेबी बैठा हुआ है, और ये यहाँ पर गाइज इसी के अंदर रहता है ये वाला पेयर जो मैंने आप लोगों को बताया, गजरी कबूतरी यहाँ से गायब है और मेल इसका यहाँ बैठा हुआ है। और ये देखिए एक बच्चा यहाँ पर और इसकी फीमेल बैठी हुई है। और ये देखिए यार यहाँ का तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बस यहीं पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि अंडे इस बार फूट गए। गाइस पहले वाले अंडे खराब थे, वो तो खैर मैंने खुद से ही हटा दिए थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि शायद ये अंडे ठीक हो सकते हैं, पर यार अंडे भी खराब हो गए। अंडे पता नहीं क्या करते हैं, खाना वाना तो इनको होता नहीं है, बस ये करते ही हैं कि अंडों को मतलब यहाँ से उठाया और फिर फोड़ के डाल देते हैं, ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अभी वैसे भी मेरे कबूतर कई अभी रात से ही कुछ सहमे हुए डरे हुए से हैं। एक कबूतर तो ऐसा हुआ था कल शाम में जब बंदर आए थे तो मैंने देखा था वो नीचे जाकर बैठ गया था, क्योंकि गेट खुला रह गया तो वहां जाकर बैठ गया था। तो गाइस बाकी के सभी पिजन्स तो ठीक हैं, बस ये अंडे खराब कर दिए मेरे। लेकिन हाँ आगे से मैं इतना जरूर ध्यान रखूंगी कि बंदरों से अपने सभी कबूतरों को मतलब ऐसे बचा के रखूं, उनके बच्चे अंडे वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से उनका ध्यान रखूंगी, आगे से वो इतना बड़ा नुकसान मेरा ना करें। और रही बात गाइस मद्रासी कबूतरी और गजरी कबूतरी की, तो आई होप अभी मुझे है विश्वास कहीं ना कहीं कि वो शाम तक लौट आएगी। तो ठीक है गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा।